दक्षिण नागपुर के राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज रीजनल कैंसर अस्पताल में कैंसर सर्वाइवर डे मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सर्वाइवर लोग मौजूद थे। राष्ट्र संत तुकड़ोजी अस्पताल की ओर से नेशनल सर्वाइवर डे मनाया गया। नेशनल सर्वाइवर डे उन लोगों का होता है जो कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने कैंसर को मात दी। यह दिन सभी के लिए होता है। ये दिन उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने इन बीमारी से निजात पा लिया है। कैंसर सर्वाइवर डे 1988 से हर साल 6 जून को मनाया जा रहा है। इंडियन जर्नल मेडिकल साइंस के हिसाब से सर्वाइवल कैंसर के सर्वाइवल रेट इंडिया में 83.5%, 80.6%, 67.0% और 31.7% स्टेज 1, 2, 3 और 4 के लिए है, जबकि इंटरनेशनल जनरल रिसर्च इन मेडिकल साइंस के हिसाब से इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर 5 सर्वाइवल रेट दिखाता है और लगभग 60% कैंसर के केसेस 5 साल तक का सर्वाइवल रेट दिखाता है। ऐसी जानकारी राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज रीजनल कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों ने दी है। नेशनल कैंसर सर्वाइवर डे किस प्रकार से मनाया जा रहा है, आइए ये तमाम जानकारी जानने के लिए आज हम राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर रीजनल अस्पताल में आए हुए। एक यूएसए की तरफ से एक कैंसर के बारे में एक गोष्ठी हुई जहाँ ये बताया गया है कि भाई लोगों को ये अपने माध्यम से ये बताए कि जो लोग कैंसर के पेशेंट जो फ्री हो जाते हैं, जिनको कैंसर ख़त्म हो जाता है, तो एक माध्यम से हम लोग ये बताएं कि ये लोग कैंसर से फाइट करके बाहर निकले हैं और जिसका नाम है कैंसर सर्वाइवर, यानी कि वो सर्वाइवर है। ये जब धीरे धीरे एक क्रम चलता गया और आज इसको एक बहुत बड़ा शेप मिला है। पूरे विश्व भर में आज के दिन ये मनाया जा रहा है। वैसे देखा था तो 6 जून है, लेकिन क्योंकि 6 जून संडे को पड़ा था इसलिए हमने आज मनाया है। हमने टोटल यहाँ पर आपके सामने 14 सर्वाइवर लोगों को हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है और कई एक 9 साल पुराना, 10 साल पुराना, 5 साल पुराना ऐसे लोगों को हमने प्रेजेंट किया और उनसे उनकी जबानी से ये सुना है कि कैंसर जो है घबराने की कोई बात नहीं। हम लोगों को भी थोड़ा फेयर था, लेकिन आज हम लोग उससे बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं और हम ये भी समझने लग गए हैं कि हमें कैंसर से घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि लोग कोविड से बाहर निकल गए तो अगर उनसे आप पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे कोविड से मत घबराओ, वैसे ही जितने भी कैंसर फ्री हो गए और वो लोग आपको बता रहे हैं कि हम पूरे के पूरे स्वस्थ हैं और आज हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर की टीम अपना काफी अच्छा कामकाज कर रही है। सर, ऐसे में ये बताएं कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां इस अस्पताल के जरिए की जा रही है। कैंसर पेशेंट्स के लिए वैक्सीनेशन NMC के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर कृष्णा, वो इसके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं कि जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं वो मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ यहाँ पर आए। उनका जैसे एज का दाखिला है कि 45 के ऊपर उनकी उम्र होनी चाहिए और साथ में वो कैंसर से पीड़ित रहे हों या कैंसर सर्वाइवर रहे हों, तो अगर वो ऐसे प्रूफ्स लेकर आते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के, कैंसर सर्वाइवर के, तो उनको यहाँ NMC के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी वैक्सीनेशन मिलेगा। हाँ, वैक्सीनेशन मिलेगा। अगर पहला डोज उन्होंने कहीं और भी दिया है तो सेकंड डोज वो यहाँ आकर ले सकते हैं या इनिशियल डोजेस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। देख सकते हैं कि नेशनल कैंसर सर्वाइवर डे मनाया जा रहा है और यहाँ के जो सर्वाइवर और जो पेशेंट है उन्हें भी वैक्सीनेट किया जाएगा, ऐसी जानकारी इस अस्पताल के तमाम डॉक्टरों ने दी है। और कोरोना महामारी से यदि हमें जंग लड़ना है तो हमें मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, साथ ही साथ अपने समाज का और देश का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का खात्मा करना हो तो हम सबको एक पूरे दिल से सबने मिल के कामकाज करना चाहिए, यही समय की मांग है। कैंसर अस्पताल से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, BCN News नागपुर।